नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी दिवाली बहुत ही अच्छी हो, मंगलमय हो। और अभी मैं आई हूँ नहा के, और पूजा हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। सोनल नहाने गई हैं और मम्मी छत पे हैं, शायद आ भी गई। मैगी बनाऊंगी आज, सोनल का मैगी खाने का मन है तो मैगी बनाने जा रही हूँ मैं। तो चलिए आप भी। मैगी की तैयारी मैंने कर ली थी पहले ही, ये देखिए। तो आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल की मैगी। इसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, तो पनीर डालेंगे, फ्राई करेंगे। फ्राई हो गया है, ऐसे ही फ्राई कर लेना है। अगर आपको पसंद है तो आप पनीर डाल सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब पनीर निकाल लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। साथ में मिर्ची भी डाल देंगे। प्याज और मिर्च जो है भून चुके हैं, अब इसमें जीरा डालेंगे। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल दूंगी। के बेसिक मसाले धनिया, हल्दी और गरम मसाला मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी बॉईल होने लगा है, अब मैं इसमें मैगी डाल दूंगी। तैयार हो गई है और लास्ट में मैं इसमें धनिया डाल दूंगी। धनिया डालने के बाद मैंने जो पनीर फ्राई किया था अब वो डाल देंगे और गैस बंद कर देंगे। मैंने गैस पहले ही बंद कर दी और रेडी हो गई हमारी मैगी। ये है मेरा कप और ये सोनल का। मैगी बन गई और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है, खा के बताती हूँ कैसी बनी है। बहुत टेस्टी है। ये देखिए सोनल आ गई हैं। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं
और फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो, बहुत देर बाद मिल रहे हैं। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद खाना खाया, फिर हम लोग मार्केट चले गए, मैं और सोनल, क्योंकि फूल लेने जाना था। और एक बात आपसे शेयर करनी है, तो मैंने बिग बाज़ार से शॉपिंग की थी और मार्केट 99 से, वो मैंने आपसे बोला था करवा चौथ वाले दिन कि मैं आपसे शेयर करूंगी, लेकिन नहीं कर पाई थी क्योंकि करवा चौथ के नेक्स्ट अगले ही दिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम लोग सब उसमें लग गए थे। फिर मैं वीडियो बना नहीं पाई, काफ़ी दिन से पापा की दुकान भी बंद थी तो पापा घर पे ही थे, तो उनकी देख रेख के लिए मैं रुक गई। बलरामपुर जाना था मुझे अगले दिन, करवा चौथ के अगले दिन मुझे जाना था बलरामपुर, मेरे हस्बैंड भी आए थे, आपने देखा होगा, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि पापा की तबीयत नहीं सही थी। अब धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार आया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ज़्यादा काम नहीं करने देते हैं। और आज दिवाली है तो मैंने सोचा कि आज तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी आज का दिन। तो पापा की तबीयत अब पहले से ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग ज़्यादा गाड़ी चलाने के लिए नहीं देते हैं उन्हें बाइक, और थोड़ा बहुत चले जाते हैं बाहर, लेकिन ज़्यादा रात में नहीं जाने देते हम लोग। और अभी हम और सोनल मार्केट गए थे फूल लेने, ये देखिए ये लेके आए हैं फूल, ये इधर भी हैं। जितना हो सकता है मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। कल मैं, मम्मी और सोनल, हम तीनों लोग मेला गए थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा शॉपिंग करी है, वो मैं आपको दिवाली के बाद ही दिखाऊंगी क्या शॉपिंग की मैंने, थोड़ी बहुत सी की है तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और फिलहाल अब आप आज का वीडियो एंजॉय करिए, और आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ में ब्लॉग शेयर करूं। तो एंजॉय करिए दिवाली और हैप्पी दिवाली। चलिए फिर लग जाते हैं काम पे।
सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फैमिली मेंबर, आपके दोस्तों को, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत देर बाद आपसे मिल रही हूं मैं, क्योंकि बहुत सारी तैयारियां करनी थी। पापा की तबीयत मैंने आपको बताया था खराब है, और पूजा हो गई है, बस उन्होंने पूजा करी है, बाकी सारी तैयारी मैंने, सोनल ने और मम्मी ने की है। तो और कैसी लगी आपको मेरी सजावट? बस जल्दी जल्दी से तैयार हो गई। कोशिश करिएगा कि बहुत कम पटाखे जलाएं, क्योंकि पर्यावरण को भी सुरक्षा देनी है। हमारे घर में पटाखे नहीं आए हैं, सोनल ने मना कर दिया था और मैंने भी उसका साथ दिया, क्योंकि पटाखे पर्यावरण को बहुत, आई होप आप भी मेरा साथ देंगे। तो बहुत कम पटाखे छुड़ाइएगा और अपने छोटे बच्चों को भी यही सिखाइएगा कि पटाखे बहुत कम छुड़ाए या छुड़ाए ना, एक दो बहुत है एंजॉयमेंट के लिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सके। और हाँ, मेरा दीपावली गिफ्ट ये किसने दिया? सोनल ने दिया है ये मुझे गिफ्ट, मैंने भी उसे दीपावली गिफ्ट दिया है, वो उसने पहना हुआ है ये मैंने करवा चौथ में देखा था, शॉपिंग करने गई थी मार्केट तो मैंने देखा था, लेकिन मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि मैंने बैंगल्स पहले ही खरीद लिए थे, मैंने नहीं लिया, मैंने कहा बाद में ले लूंगी। लेकिन वो एक दिन जो है पापा के साथ में गई थी मार्केट करवा चौथ के पहले ही, उसने देखा था, उसके साथ में ही मार्केट गई थी मैं, तो फिर वो पापा के साथ में गई थी और उसने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दिया। हैप्पी दीपावली फिर से, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी मेरी फैमिली हो, मेरी यूट्यूब फैमिली अभी बहुत छोटी बहुत छोटी, आपको इसे बहुत बड़ा करना है, आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स लोगों को।